नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको यहाँ PDF मिल जाएगा। चलते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या कथन है, जो यह कथन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है वो किसने दिया था, वो एडम स्मिथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, जो है ये डिफिनीशन है ये किसने दिया था, अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान हो मार्शल साहब ने दिया था। अगला है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, तो वास्तविक विज्ञान किसने कहा था, प्रोफेसर रॉबिन्सन शास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा था। तो इन्हें याद कैसे करोगे, देखो वास्तविक वास्तविक में भी आता है वह और सा आता है वास्तविक में, उसी से सा, तो वास्तविक और रॉबिन्सन, वास्तविक रॉबिन्सन से ऐसे याद कर सकते हो कि सा आधा सा इसमें आता है वह आता है और इसमें रॉबिन्सन में आधा रहा आता है, तो ऐसे ही क्या याद कर सकते हो रॉबिन्सन और वास्तविक विज्ञान के, जो है इन्होंने एक कोटेशन दिया था या कथन दिया था। और जो प्रोफेसर J.K. मेहता हैं, ये जो है भारतीय शास्त्री हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं, तो J.K. मेहता हो जाएंगे, जो J.K. मेहता हैं, प्रोफेसर J.K. मेहता, वो भारतीय अर्थशास्त्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ एंड नेशन के लेखक का नाम है, जो इसके लेखक हैं या इसी बुक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी पूछते हैं, जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक है किसकी है, तो या फिर यह पूरी जो बुक का नाम है ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो लेखक है वो है एडम स्मिथ, जो है इसके लेखक हैं। जाएंगे पीगू जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं। अगला है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है, तभी ने बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन या एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशन के लेखक जो हैं वो भी एडम स्मिथ हैं। अगला है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान व कला दोनों है या कथन किसका है, किसके अनुसार जो है जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान भी है और कला भी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्शल साहब ने दिया था ये। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है, अभी आगे आपने डिस्कस किया कि है, तो इसी जो यही हो जाएगा। अगला है, मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, तो मार्शल जो दिए थे परिभाषा उसे कल्याण केंद्रित परिभाषा के रूप में जाना जाता है, कि कल्याण के सिद्धांत पर उन्होंने ये अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। अगला है, कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी, तो कल्याण के आधार पर जो दी थी वो मार्शल साहब ने दी थी। अगला है, धन पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी, तो धन के आधार पर एडम स्मिथ ने दिया था, इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। अगला है, अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव की समस्या है, जो चुनाव की समस्या वो किसने कहा था, वो रॉबिन्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, तो अर्थशास्त्र में जो आ जाता है वो विज्ञान और कला दोनों है, जिसने कि मार्शल ने कहा था। अगला है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो 5 भागों में बांटा जाता है, इसे कौन कौन से हैं, तो उसमें जो है उपयोग आ जाएगा, उत्पादन आ जाएगा, विनिमय आ जाएगा, वितरण आ जाएगा और राजस्व आएगा, लोक वित्त जिसे बोलते हैं। अगला है कि अर्थशास्त्र की सामग्री विषय सामग्री है, तो इसमें विषय सामग्री जिसे मैंने अभी बताया कि उपयोग आ जाएगा और उत्पादन, विनिमय, वितरण और लोक वित्त या इसे राजस्व भी कहते हैं, ये भी इसी के विषय सामग्री के अंतर्गत आएगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ होता है उसका होता है पदार्थ की उपयोगिता का सृजन करना। अगला है, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन
करता है, उत्पादन जो करता है समय के अनुसार या समय के परिवर्तन के अनुसार उससे लाभ कमा सके तो व्यापारी करता है। अगला है सेवा उपयोगिता है, सेवा जो है उपयोगिता है वो क्या है, तो हो जाएगी अध्यापक का पढ़ाना जो है वो उपयोगिता का आएगा। सेवा के लिए जो भी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं या कोई डॉक्टर है, ये सब जो है सेवा के सेवा उपयोगिता के अंतर्गत आएंगे। अब से जंगल से लकड़ी काट के बेचता है तो एक व्यापारी हुआ, मेज बनाता है तो एक कार्य मजदूर हुआ, कारीगर हुआ, तो ऐसे। लेकिन जो पढ़ा रहा है या डॉक्टर है वो एक सेवा भी कर रहा है, तो उसको सेवा उपयोगिता के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का जो अर्थ है तो क्या है, वस्तु के मूल्य की में वृद्धि। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर जो है राइट होगा, वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला है उत्पादन का तात्पर्य है, जो उत्पादन का तात्पर्य है वो है किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना और वृद्धि दोनों करना है होता है, सृजन भी करता है और वृद्धि भी करता है। अगला है उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है, तो वो उद्यमी वहन करता है, जिसका जो उद्योग होगा या जो उद्यमी होगा उसका इंटरप्राइजेस होगा वही जो है कोई भी अनिश्चित काल तक किसी की क्या होगा आगे या नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई भी इंटरप्राइज या उद्यम है तो उसको कौन सहन करेगा, तो वो होगा उद्यमी। अगला है निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक साधन नहीं है, उत्पादन का एक साधन नहीं है, थोड़ा स्पीड तेज रहेगी क्योंकि अगर आराम आराम से बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा स्पीड रहेगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वितरण। अगला है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में जो उत्पादन का अर्थ है वो है उपयोगिता का सृजन करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है, तो वो हो जाएगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो है उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन के उपादान होते हैं, उत्पादन के जो उत्पादान हैं वो टोटल 5 हैं, कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उत्पादन के कितने उपादान होते हैं, इसे याद कर रख सकते हो कि उपादान में जो है 5 अक्षर होते हैं, उपादान में 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर होते हैं, जितने उपादान में अक्षर होते हैं उतने ही उपादान होते हैं, ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। और उपादान कितने होते हैं वो 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम, ऐसे याद करिए 4-5 बार रिपीट करिए, भूमि श्रम पूंजी संगठन उद्यम 3-4 बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। और इसमें जो है भूमि सबसे अनिवार्य होती है, ठीक, आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगला है भूमि उत्पत्ति का उपादान है, मैंने अभी बात की कि उपादान 5 होते हैं उन्हीं में से एक भूमि है, भूमि जो है वो कैसा है, वो निष्क्रिय होता है। अगला है अर्थशास्त्र में भूमि का आशय है, जो भूमि का आशय क्या है, तो वो होता है कि प्रकृति के समस्त निःशुल्क उपहार जो है अर्थशास्त्र में माने तो भूमि को कहते हैं कि वो निःशुल्क है, गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी विशेषता केवल भूमि में ही पाई जाती है, तो कौन सी विशेषता जो केवल भूमि में पाई जाती है, वो है गतिहीनता। भूमि जो है जहाँ पर स्थिर होती है वहीं पर स्थिर रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाती ना, तो इसीलिए उसको जो है एक मुख्य कार्य वो है, एक विशेषता है, कैरेक्टर है, साधन है। भूमि उत्पत्ति का जो साधन है वो अनिवार्य साधन है, इसके अगर यदि कोई भी आपको उत्पादन करना है या उद्यम करना है तो उसके लिए आपको भूमि जो है वो अवश्य ही चाहिए, विदाउट भूमि के आप कुछ नहीं कर सकते, लैंड के आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर भूमि से मतलब सॉइल नहीं है, यहाँ पर मतलब है लैंड से, जिसके ऊपर जो है कोई भी उद्यम आप लगाओगे उससे संबंधित है, यहाँ पर सॉइल से संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से जो कथन है वो कौन सा असत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भूमि उत्पादन का सक्रिय साधन है, सक्रिय साधन नहीं है, निष्क्रिय साधन। अगला है कि निम्न में कौन सा श्रम उत्पादक श्रम नहीं है, जो इससे उत्पादन ना हो नहीं होता है, तो है माता का दूध पिलाना जो है वो उत्पादक श्रम नहीं आता है। अगला है कि श्रम उत्पादन का साधन है, श्रम उत्पादन का क्या साधन है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक सक्रिय साधन है। अगर आपके पास भूमि है अगर उस पर आप कोई कार्य नहीं करोगे, श्रम नहीं करोगे, तो उसका उत्पादन आप लाइन नहीं ले सकते, इसीलिए जो श्रम है वो एक सक्रिय जो है साधन है। अगला है
श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से ही है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। या श्रम की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा जो दी थी वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। कहने का मतलब यह है कि हर वो कार्य जो है वो मनुष्य के द्वारा किया गया, जो चाहे वो हाथ से किया जाए चाहे वो मस्तिष्क से किया जाए। जैसे कि लेबर जो है वो हाथों के द्वारा करता है, तो जैसे कि मस्तिष्क के द्वारा साइंटिस्ट है और जो डॉक्टर वगैरह है, तो ये एक मस्तिष्क का भी यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको जो बोलते हैं कि तो ये जो परिभाषा है तो वो मार्शल ने दी थी। उसके ऐसे ही परिभाषा आपको लिखने को भी आ सकती है निश्चित उत्तरीय में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्न में कौन सा श्रम उत्पादक श्रम है? श्रम उत्पादक श्रम है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वकील का अदालत में बहस करना। यदि वकील जो अदालत में बहस करता है तो वो एक उत्पादक श्रम है, जिससे कि वकील को क्या होगा, उसको फीस मिलेगी। और यदि व्यायाम कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे जो है ये जो है अन उत्पादक श्रम में आ जाएंगे। अगला है, श्रम उत्पादन है, जो श्रम उत्पादन है वो क्या है? तो उसमें साधन और साथ दोनों। अगला है, अर्थशास्त्र में श्रम की परिभाषा निहित है कि, इसमें जो है अर्थशास्त्र में श्रम की परिभाषा में यह भी नियत होता है कि श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। जो श्रम है वो श्रमिक के अंदर ही रहेगा, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारण श्रम की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अन्य देशों में हिमपात। अन्य देशों में क्या हो रहा है उससे जो है कार्य क्षमता पर श्रम की कोई नहीं पड़ेगा प्रभाव। इसको देखो, ऑप्शन को पूरे पढ़िए, उसके बाद एक एक करके एलिमिनेट करके आंसर सही लग जाएगा। भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का कारण है, तो इसका जो कारण है वो हो जाएगा अशिक्षा भी है, गरीबी भी है और गर्म जलवायु भी है। श्रमिक के व्यक्तिगत गुणों में सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत गुणों में क्या सम्मिलित होते हैं? सभी सम्मिलित होते हैं, चाहे वो जातीय गुण हो, चाहे वो नैतिक गुण हो, चाहे वो पैतृक ऋण हो, वो सभी उसके व्यक्तिगत में निहित होते हैं। अगला है, प्रबंध की योग्यता प्रभावित करती है। तो ये जो है श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। अगर प्रबंधक किसी भी, अगर कोई उद्यम आप लगाए हैं उसके अंदर जो प्रबंधक है उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है श्रमिक की कार्य कुशलता के ऊपर। मान लीजिए जो योग्य है किसी कार्य को करने में श्रमिक, उसे दूसरा कार्य दिया जाए योग्यता के अनुसार, अगर कार्य दिया जाए तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। जिस कार्य में वो दक्ष होगा उसे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी। तो ऐसे करके जो है कुशलता का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है कि अचल पूंजी उत्पादन क्रिया में प्रयोग हो सकती है। जो अचल पूंजी होती है वो प्रयोग की जा सकती है। तो ये जो है अगला क्वेश्चन है कि अचल पूंजी उत्पादन क्रिया में प्रयोग हो सकती है। जो अचल पूंजी, पहले समझते थे पूंजी है क्या। जो पूंजी होती है वो पैसा नहीं है, लोग जैसे समझते हो पूंजी में धन, यहाँ से धन से संबंधित नहीं है। पूंजी का मतलब है यह कि मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग और अधिक धन उत्पन्न करने के सहायक हो, या उसे पूंजी कहते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल समझिए कि मान लो कोई मकान खरीदता है, ठीक है, मकान किसी ने खरीदा, मान लो आपके पिताजी ने मकान खरीदा, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से, किसी तरीके से वो कमाए होंगे, ठीक है, कहीं से कमाए होंगे वो पैसा। वो पैसे से उन्होंने एक मकान खरीदा, और मकान खरीदने से जो है जो ये मकान हुआ वो उनकी एक पूंजी बन गई, ठीक है। तो अब जो मकान है वो एक पूंजी हुई, और मकान से जो है उसे किराए पर दे देते हैं, ठीक। जो किराए से दे देंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, फिर से आय होने लगेगी, ठीक है, आय होने लगेगी ना, उन्हें पैसा आने लगेगा। तो उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया मकान में, ठीक है, तो उससे जो उनकी पूंजी थी और पूंजी से पैसा कमा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक इस्त्रा धन, मतलब कि तुम्हारे पिताजी के द्वारा जो उत्पादित धन था उससे उन्होंने अधिक धन कमाने के लिए प्रयोग किया, तो वो क्या हुई, पूंजी हुई, इसे पूंजी बोलेंगे, ठीक है। और अब पूंजी दो प्रकार की होती है, एक चल पूंजी होती है और एक अचल पूंजी होती है। जो चल पूंजी होती है वो क्या होती, उसे एक बार यूज किया जाता है, खाली एक बार चल पूंजी को, क्यों, शॉर्ट टाइम के लिए जीवन काल उसका होता है। और जैसे कि एक होती अचल पूंजी, तो अचल पूंजी के लिए मान लो जैसे कि मकान है तुम्हारा, ठीक, जिसे तुम्हारे पिताजी ने खरीदा था, ठीक, उसे आय के लिए यूज किया जाता है।
ये आपकी पूंजी तो हमेशा के लिए फिक्स है, अचल है, ये तो जाने वाली है नहीं। इससे जो है आय आपकी बढ़ती रहेगी। एक बार आप इसका यूज करेंगे, एक बार आप इसमें इन्वेस्ट किए, उसके बाद ये पूंजी तो आपकी परमानेंटली बन गई और इससे अधिक आय आप प्राप्त कर रहे हो, तो ये हुई अचल पूंजी, ठीक है। और यदि इसी जगह पर आपके पिताजी ने वही रुपया जो है उसका उपयोग करते किसी और चीज़ में, जैसे कि कोयला खरीदते, अब कोयला खरीदने के बाद या मान लो सीड खरीद लेते, बीज खरीद लेते, कृषि विज्ञान है तो बीज खरीद लेते, ठीक है, तो बीज खरीद लेते किसी का, उसे फिर बेच देते, ठीक। तो यहाँ से जो पैसा उन्होंने यूज किया, अधिक पैसा उन्होंने जो कमाया पैसा अधिक, उसे और अधिक पैसा कमाने के लिए, उस पैसे को अधिक पैसा कमाने के लिए यूज करने के लिए उन्होंने कोयला खरीदा ताकि उसे बेचकर अधिक पैसा कमा लेंगे, तो उन्होंने इसे खरीदा और डायरेक्ट फिर बेच कर दिया, ठीक। तो ये तो उनके पास से चली गई, तो ये पूंजी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर इसे किराए पर देते या किसी किराए पर कौन लेगा कोयला, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोयला है ना, तो वो हुआ, तो ये चल पूंजी हुई। तो एक बार इसे यूज किया, एक ही बार में उसका जो कार्य था वो पूरा कर दिया, मतलब उसका कार्य था कि अधिक पैसा कमाने के लिए उस पूंजी को खरीदे थे, उसी से अधिक पैसा कमा लिए, ओनली एक बार में, एक ही बार में वो पूरा अपना काम कर दी पूंजी। तो ये क्या हुई, चल पूंजी जो चली गई, यानी कि चल पूंजी जो चली पूंजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये भी याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल भी याद रखिएगा क्या क्या है, तो अभी एग्जाम्पल आगे बात कर ले। तो इसमें जो है अचल पूंजी उत्पादन क्रिया में प्रयोग हो सकती है, तो अचल पूंजी है तो इसे बार बार प्रयोग में लिया जा सकता है। मान लो मकान था ये, अब इसे एक बार किराए, एक कोई आया किराएदार, एक साल दिए किराएदार, फिर से दिए इसे किराए पर, बीच में नहीं भी दिए, तो इसे बार बार यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक अचल पूंजी है, तो अचल पूंजी को बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक। अगला है रेल की पटरियाँ उदाहरण है, जो रेल की पटरियाँ हैं वो किसका उदाहरण है, एक अर्थी पूंजी के। देखो दो फिर से किसी के मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है पूंजी का, एक अर्थी भी किया जा सकता है, बहुअर्थी पूंजी भी किया जा सकता है, चल पूंजी, अचल पूंजी, तो उसमें से जो रेल की पटरियां हैं वो हो जाएंगी एक अर्थी पूंजी के लिए। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी पूंजी के एक से अनेक उपयोग नहीं किए जा सकते, एक अर्थी उसका एक ही बार में जो है एक ही कार्य के लिए जो है उपयोग में लिया जा सकता है, जिसमें रेल की पटरियाँ जो है एक कार्य के लिए, खाली ट्रेन को चलाने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। और बहुअर्थी में क्या होगा कि इससे जो है अधिक रूप में लिया जा सकता है, अनेक रूपों में, कार्यों में लिया जा सकता है, जैसे कि नगद धन है, खेत है, खेत को तुम प्रोडक्शन के लिए ले, खेती के लिए सकते हो, सब्जी प्रोडक्शन के लिए सकते हो, सीरियल क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए ले सकते हो, मकान है और खुद के रहने के लिए, किराए के लिए यूज कर सकते हो, तो ऐसे ये बहुअर्थी हो गए, उनके कई सारे उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला है कोयला उदाहरण है, अभी हमने बताया कि कोयला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चल पूंजी है, एक कोयला जो है चल पूंजी है। अगला है पूंजी उत्पत्ति का साधन है, जो पूंजी है वो उत्पत्ति का कैसा साधन है, तो इसका जो हो जाएगा एक निष्क्रिय साधन है, ठीक है। और जो श्रम है वो सक्रिय साधन होता है, पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में चल पूंजी है, जो चल पूंजी है वो कौन सी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तिलहन जो है चल पूंजी है, एक बार में ही इसे यूज किए, ठीक है। मशीन को है क्या, बार बार यूज कर सकते हो, ठीक। निम्नलिखित में पूंजी है, पूंजी एक है, क्या है पूंजी है, तो उसका जो पूंजी हो जाएगा वो कारखाने की मशीन। अगर निम्नलिखित में पूंजी है तो निम्नलिखित में जो पूंजी है वो क्या है, कारखाने की मशीन जो है वो पूंजी है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिजोरी में रखा हुआ धन वो पूंजी नहीं है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से चल पूंजी कौन सी है, इसमें चल पूंजी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कच्चा माल जो है वो चल पूंजी है, कच्चा माल का उपयोग कर सकते हो, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी देश पूंजी में सम्मिलित नहीं है, देश की पूंजी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूंजी, देखो राष्ट्रीय रेल होगी वो भी देश की पूंजी है, राष्ट्रीय इमारत है जैसे कि ताजमहल है और इमामबाड़ा है और जो भी इंडवे गेट है जो ही है ना, तो रोड की सड़कें हैं ये सब जो है देश की पूंजी है, ठीक है। ये रोड की सड़कें हैं तो वो जो
देश की पूंजी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो विदेश की पूंजी हुई। निम्नलिखित राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है, जो शेयर मार्केट है उसे राष्ट्रीय की पूंजी में शामिल नहीं किया जाता। अगला है, उत्पादन के विभिन्न साधनों में आदर्श अनुपात स्थापित करता है। देखो, जो उत्पादन में संसाधनों के बीच में जो आदर्श अनुपात रहेगा वो क्या करेगा, संगठन करता को उसका लीडर होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उसकी एक मैनेज करेगा, ठीक है। संगठनकर्ता को उसके पुरस्कार के रूप में मिलता है, तो उसके पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। संगठनकर्ता के क्षेत्र में आता है, संगठनकर्ता के जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें हो जाएगा उत्पादन के उपादानों के अनुकूल संयोग स्थापित करना, संयोग उत्पादन के स्थापित करना जो है वो संगठनकर्ता के क्षेत्र में आएगा। दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं, या प्रोफेसर जेम्स ने दी थी। अगला है, गेहूं से चावल का अदल बदल एक विनिमय है, तो एक प्रकार का वस्तु विनिमय है कि दो वस्तुओं के बीच में विनिमय हो तो उसे वस्तु विनिमय कहेंगे। अगला है कि वस्तुओं को वस्तुओं के माध्यम से किए जाने वाले आदान प्रदान के अर्थशास्त्र में कहते हैं, तो इसे कहेंगे वस्तु विनिमय। अगला है कि वस्तु विनिमय की आवश्यक दशा है, तो इसके लिए तो एक सरल सीमित आवश्यकताओं तक, मान लीजिए आपको दो कुंटल लोहा चाहिए हो, ठीक है, या दो केजी लोहा चाहिए हो, और किसी को एक केजी चांदी चाहिए हो, तो इसके बीच में जो है वस्तु विनिमय तो हो नहीं सकता कि चांदी के बदले जो है उसे लोहा मिले, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो है एक सरल और सीमित आवश्यकता तक ही वस्तु विनिमय संभव है। मान लीजिए कि एक घर से आप एक किलो चावल ले लिए, तो उसके बदले में कुछ गेहूँ ले लिए, तो इससे जगह जो है नॉर्मल हो सकती है वस्तु विनिमय, बस एक दशा यही रहेगी। अगला है, विनिमय का लाभ है, विनिमय से जो लाभ होता है उसका लाभ होता है वस्तु बाजार का जो विस्तार है वो बढ़ जाता है। अगला है, द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय है वो क्या है, क्रय विक्रय है। यहाँ द्रव्य क्या मतलब पानी नहीं है, यहाँ पर द्रव्य का मतलब लिक्विडिटी, वहाँ पर द्रव्य होता है वो, ये द्रव्य है, ठीक है, लिक्विडिटी जो है कैश उससे मतलब है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है कि है बाजार के तत्व हैं, बाजार के तत्व एक क्षेत्र होता है, एक वस्तु होती है, ठीक है, तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण है, तो समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण जो किया जाता है वो अल्पकालिक बाजार भी किया जाता है, मध्यकालीन बाजार है, अर्धकालीन बाजार है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला है, बिक्री की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण का अंग है बाजार के अनुसार, तो बाजार के अनुसार जो बात करें तो इसमें आ जाएगा मिश्रित बाजार है, ठीक है। अगला है, बाजार की विशेषता क्या है, तो है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होनी चाहिए, गला काट प्रतियोगिता होनी चाहिए। यहाँ गला काटने का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला काट लेना है, ठीक है, यहाँ का मतलब है कि एक बोली लगाना, तो एक बोली लगेगी जब ज़्यादा क्रेता विक्रेता होंगे तो उनके बीच ज़्यादा जो है तू मैं होगी, ठीक है, बोली लगाएंगे इतने उतने, तो उसी का मतलब है गला काट प्रतियोगिता होनी चाहिए। अगला है, सोने और चांदी का बाजार है, तो जो सोना और चांदी का बाजार होता है वो अति दीर्घकालीन बाजार है, ये नाशवान तो है नहीं सोना चांदी, तो ये अति दीर्घकालीन बाजार होती है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार कीमत कौन सी अवधि में होती है, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत से लोग जो है देख लेते हैं शेयर नहीं करते हैं, इसमें दिखाता है कि नॉट सब्सक्राइबर बहुत अभी हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल को हमारे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि और भी हमें मोटिवेशन मिले कि आपके लिए कुछ करें और वीडियो अच्छी अच्छी बनाएँ, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना भाई। अगला है, बाजार कीमत कौन सी अवधि में होती, कीमत जो है कौन सी अवधि में होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अति अल्पकाल की अवधि में होती है। अगला है, समान कीमत किस अवधि में होती है, समान कीमत जो होती है वो दीर्घकालीन बाजार में होती है। अगला है, समान कीमत निर्धारित होती है बाजार की, तो वो होती है
मांग पूर्ति द्वारा समान कीमत तभी होगी जब मांग और पूर्ति बराबर रहेंगी। अगला है फार्म के संतुलन की आवश्यकता शर्त है, सॉरी संतुलन की शर्त आवश्यक शर्त है, जो संतुलन की आवश्यक शर्त है वो है सीमांत लागत और सीमांत आय। एक तो मार्जिनल लागत होनी चाहिए और मार्जिनल उससे रिटर्न आना चाहिए, तो उसको जो होते हैं एक फार्म की आवश्यक शर्त होती है। अतः की विशेषता नहीं है, जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है वो है वस्तु विभेद, वस्तुओं में अंतर। अगला है समय कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह कथन किसका है, तो ये जो कथन दिए थे वो मार्शल साहब ने दिए थे कि समय कीमत के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। तो समय तो सभी की जो वस्तुओं की मांग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका जो है कथन दिए थे मार्शल ने दिया था। अगला है फार्म संतुलन की आवश्यक शर्त है, जैसे कि ऊपर दिया था कि मार्जिनल कॉस्ट ऑन मार्जिनल रिटर्न, ये जो है MC बराबर MR जो है इसकी महत्वपूर्ण शर्त है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी लोग अभी इसके बारे में और वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड अर्थशास्त्र के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि